अपनी कई समस्याओं के लिए कई बार हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर जगह बात करने की आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि अब तो हमने कह दिया, अब ना चाहते हुए भी ये काम करना ही पड़ेगा। अब मुंह से जो बात निकल गई उसे कैसे बदल सकते हैं। खुद की कई बातों में हम खुद ही उलझ के रह जाते हैं। कई बार क्रोध में आकर किसी को ऐसे शब्द कह जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। आपने तो क्रोध में बोल दिया, पर सामने वाला उन बातों को भूल नहीं पाता। आपको शायद यह एहसास भी नहीं होता कि आपके शब्दों का उसकी दिल पे क्या असर हुआ है। कई बार मुंह से निकले शब्द रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाव हैं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव है। आपका एक शब्द किसी की जिंदगी भर का घाव बन सकता है और आपका एक शब्द किसी के जीने की वजह बन सकता है। आप विचार करें कि आपकी वाणी कैसी है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को मिर्ची लगे तो लगे, आप सच कहते ही इसलिए कि किसी को चोट पहुंचे, उसको बात चुभनी चाहिए। जब किसी से काम निकालना हो ना, तब सच नहीं निकलता मुंह से, तब झूठी प्रशंसाएं निकलती हैं। सच अक्सर लोग तभी कहते हैं जब किसी को चोट पहुंचानी हो। यदि आपकी वाणी मधुर नहीं, आपकी वाणी से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, किसी का दिल टूट जाता है, तो आपको सच बोलना भी अभी नहीं आया। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि आपकी वाणी में मिठास है, तो उस वाणी की मिठास में इतना प्रभाव है कि वो आपकी पूरी जिंदगी में मिठास भर सकती है। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, मस्ट हैव हनी ऑन योर टंग। आपके पास धन हो ना हो, पर यदि आपकी वाणी मधुर होगी तो सब आपका सम्मान करेंगे। आप स्वयं भी उसी व्यक्ति का सम्मान करोगे जो मीठा बोलता है। तीखा और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति से सब दूर भागते हैं कि कौन सुनेगा इनको। कड़वे और तीखे शब्द किसी से भी नहीं सुने जाते, आप भी नहीं सुन पाएंगे, तो आपके बोले कड़वे शब्द कोई और कैसे सुन सकता है। खुदा को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमें इन सब बातों की समझ हो जाए तो जिंदगी की सारी उलझनों से हम दूर हो जाएं। एक बार राजा भोज अपनी रानी के महल में गए। उनकी रानी अपनी सखियों के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तभी राजा वहां आ गए और रानी से कुछ कहने लगे, तो रानी बोली, आओ मूर्ख। यह सुन के राजा को बहुत बुरा लगा कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा उस समय तो वहां से चला गया और अपनी सभा में आके बैठ गया। वहां जो भी आता राजा उसे कहता, आओ मूर्ख। सबको लगा कि आज राजा को क्या हो गया है, क्यों सबको मूर्ख बोल रहे हैं, पर कोई भी राजा के डर से कुछ कह नहीं पाया। फिर उनकी सभा में कालिदास जी आए, जो भारत में संस्कृत के महान कवि भी माने जाते हैं। राजा ने उन्हें भी कहा कि आओ मूर्ख, तो कालिदास जी ने उनसे कहा, जो खाते हुए चलता है, जो बातें करते करते हंसता है, जो बीती बातों का शोक करता है, और जो अपने किए गए काम का अभिमान करता है, और जो दो व्यक्तियों के बीच आके बोलता है, इन पांचों को मूर्ख कहा जाता है। और मैंने इन पांचों बातों में से ऐसी कोई क्रिया नहीं की, ऐसी कोई हरकत नहीं की, आप मुझे मूर्ख क्यों कहते हो। तब राजा को समझ में आया कि रानी ने मुझे मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी सखियों से बातें कर रही थी और मैं बीच में बोला। तो कहां बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमको इस चीज की समझ नहीं होगी तो हमारे बोलने से हमेशा कोई ना कोई उलझन खड़ी हो जाएगी। आप कभी विचार करना, जितना भी आप बोलते हैं क्या आपको उतनी बातें करने की जरूरत है। कभी ध्यान देना, जितना भी आप सारे दिन में बोलते हैं, यदि आप उसका 90% ना भी बोलें तो भी आपका काम चल जाएगा। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है सब उससे दूर भागते हैं कि इसके पास बैठे तो उसकी बातें सुननी पड़ेगी, तो उतना ही बोलें जितना जरूरी हो।
उतना बोलें जितना लोग आपको सुनना चाहें। मौन में बड़ी ताकत है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मौन करके बैठ जाए तो वो भी लोगों को विद्वान सा लगता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना, कहीं चार लोग आपस में बातें कर रहे हो, वहां आप खड़े होकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना, पर खुद कुछ मत बोलना। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि कितनी फालतू बातें कर रहे हैं ये लोग, कोई मतलब नहीं इन बातों का। पर जब आप खुद भी उनके साथ बातों में लग जाते हो, तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वयं भी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। हमारी जिंदगी के कितने झगड़े दूर हो जाएं अगर हम ये सीख जाएं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं, हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं। हमने देखा है लोगों को कि किसी की कही बातों को कई बार वो जीवन भर नहीं भुला पाते, हृदय में बैठ जाते हैं शब्द। किसी के प्रिय वचनों को लोग हृदय में बिठा लेते हैं कई बार। किसी की कही कड़वी बातों को भी लोग हृदय से निकाल नहीं पाते। आपको आपके जीवन में कौन सा स्थान मिलेगा वो आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आपको सम्मानजनक जीवन मिलेगा या आपको अपमान मिलेगा। आपके बोलने पर निर्भर करता है कि लोग आपको प्यार करेंगे या लोग आपसे परेशान रहेंगे। और चीजों की चाहे हमें समझ हो या नहीं हो, पर इतना जरूर करें कि अपनी बोलचाल को थोड़ा संयमित करें, सभ्य करें। जितना हम बोलते हैं उतना बोलने की हमें जरूरत नहीं। यदि हमारे पास धन है, अगर हम जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो हो सकता है एक दिन हमें तकलीफ हो जाए। ऐसे ही वाणी है, जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग करने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ उस परिस्थिति में हम चुप रहे, हम बच गए, क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं। यदि बोलते तो फंस जाते। हम कई बार बोल के खुद को खुद फंसा लेते हैं, फिर कहते हैं क्या करें। तो अपनी वाणी को संयमित कीजिए और उतना बोलिए जितना जरूरी हो, और वो बोलिए जिससे आपका भला हो, जिससे औरों का भला हो, जिससे सबका भला हो। किसी की दिल टूट जाए ऐसी वाणी मत बोलिए। हां, सच बोलिए, सच बोलना भी चाहिए, पर अपनी सच्चाई में थोड़ी मधुरता भी लाइए। आप अपनी वाणी को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको सुनना चाहे कि थोड़ा और बोलो। ऐसी वाणी मत बनाइए कि लोग कहें कि बस अब चुप करो। आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ गंवा सकते हैं। सब आपके हाथ में। आपकी वाणी का प्रभाव आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके परिवार पे, सब जगह पड़ता है। एक राजा अपने गुरु के आश्रम में अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेने गया कि मेरा इतना जीवन निकल गया, मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उसके गुरु ने कहा कि तेरे प्रारब्ध में नहीं है, तुझे पुत्र नहीं होगा। राजा रोता रोता बाहर आया तो शिष्य ने पूछा क्या बात है। तो राजा ने बोला मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे प्रारब्ध में संतान है ही नहीं। वो गुरु समर्थ थे तो शिष्य भी समर्थ था, गुरु के सानिध्य में रह रहे के उसे भी शक्तियां प्राप्त हो गई। वो बोला कोई बात नहीं, गुरुजी आपको संतान नहीं दे रहे, मैं दे सकता हूं। राजा तो जिससे प्रसन्न हो गया बहुत। राजा बोला आप जो कहोगे मैं दूंगा, पर मुझे संतान चाहिए। तो गुरुजी के शिष्य ने उसे कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि तुम्हें पुत्र जरूर होगा। फिर वो शिष्य अहंकार में भर के अपने गुरुजी के पास आया और कहने लगा कि आपने तो राजा को संतान नहीं दी, पर मैंने दे दी। गुरुजी बोले बेटा तू समझा ही नहीं, उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब तूने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, तो तुझे ही इसका पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग्य में तो है ही नहीं। और तेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि तूने मुझसे शिक्षा ली है, तो तेरा जल्दी ही यह शरीर छूटेगा और तू उसका बेटा बनेगा। जब शिष्य ने यह बात सुनी तो रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर गुरुजी के चरणों में गिर के माफी मांगने लगा कि अब क्या उपाय है। गुरुजी बोले अब तूने बोल दिया है तो ये होके ही रहेगा, पर जब तक तू कुछ बोलेगा नहीं तब तक तू जीवित रहेगा। जैसे ही तू कुछ बोलेगा तू वापस उस देह से मुक्त हो जाएगा, तेरे को मोक्ष मिलेगा। और कुछ दिन में ऐसा ही हुआ, शिष्य का शरीर छूटा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न था
पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, युवा होने लगा, पर वो कुछ बोलता ही नहीं था, चुप चुप रहता था। राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने देश विदेश के वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, पर उसकी आवाज न निकले। राजा ने बोला, जो भी मेरे पुत्र को बुलवा देगा, उसकी वाणी को जागृत कर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। धीरे धीरे पुत्र युवा हो गया। एक दिन ये राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ वन में गया। वन में इस राजकुमार ने देखा कि एक पेड़ पे दो पक्षी थे। वहां एक शिकारी आया, उसने एक तीर चलाकर एक पक्षी को मार दिया, पर उसे दूसरा पक्षी दिखा नहीं क्योंकि वह छुप के बैठा था। पर थोड़ी देर में उस पक्षी ने आवाज की, जिसकी आवाज की उसकी आवाज पे शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार गिराया। यह देख के वो राजकुमार चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। कई बार उसने ऐसा बोला। सब अंगरक्षक यह देख के चकित रह गए। वो राजा के पास दौड़ के आए कि राजकुमार बोला, तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बोल के दिखाओ, पर अब राजकुमार कुछ बोले ही नहीं। तो राजा को लगा अंगरक्षकों ने मिलकर यह योजना बनाई है कि झूठ झूठ हम राजा को बताएंगे और आधा राज्य प्राप्त कर लेंगे। राजा ने कहा कि आप लोगों ने झूठ बोला, इसीलिए आप सब लोगों को मैं फांसी पे चढ़ाऊंगा। जैसे ही राजा ने यह फरमान जारी किया तो अब राजकुमार फिर बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। अब तो राजा भी हैरान हो गया कि राजकुमार बोलने लगा और बस एक ही शब्द बोलता जाए कि बोला तो मरा। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या बोलते हो, आपने आज तक जीवन में बात नहीं की और आप बोलते हो बोला तो मरा। तो राजकुमार बोला कि मैं कोई आपका बेटा नहीं हूं, मैं उस गुरु का शिष्य हूं जिसने आपको वरदान दिया था। गुरुजी ने आपको मना किया पर मैं बोला तो मैं मरा, मुझे आपका पुत्र बनना पड़ा। वन में एक पक्षी पेड़ के पीछे छुपके बैठा था, पर जैसे ही वो बोला वो भी शिकारी के हाथों मरा। इधर ये अंगरक्षक बिल्कुल सुरक्षित थे, पर जैसे इन्होंने बोला मेरे बारे में तो इनको भी फांसी लगने लगी। बोला, महाराज अब मैंने भी बोला है तो मेरा जीवन यहीं पूरा होता है। कई बार हम अपने बोलने की वजह से ऐसी ऐसी बातों में फंस जाते हैं जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आप यदि ये सीख जाए किससे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, तो आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी की अधिकतर उलझने आपके बोलने के वजह से ही आपके जीवन में है। माता पिता से क्या बोलना है, गुरु से क्या बोलना है, बच्चों से क्या बोलना है, बीवी से क्या बोलना है, मित्रों से क्या बोलना है, समाज से क्या बोलना है, हर किसी से आप एक जैसी बात नहीं कर सकते। ये विवेक यदि आप सीख जाए तो आपका जीवन संवर जाए। तो अपनी वाणी को सुधारिए। यदि आप अपनी वाणी सुधारेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। यदि आपको बोलने की कला आ जाए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। यदि आपको बोलना आ गया तो पक्की बात है आपको जीना आ गया।